सबसे पहले हम लेंगे बेसन, और ये लगभग ये जो कटोरा है वो पूरा भर के, मतलब करीब 200 ग्राम लिया है मैंने, और इसमें 50 ग्राम ये है मक्का का आटा। ये मक्का का आटा आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में। अगर आपके पास मोटा पिसा हुआ बेसन है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास बारीक पिसा हुआ बेसन है तो इसमें मक्का का आटा डालना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके गट्टे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रोल नहीं होंगे। अब इसमें हम स्वादानुसार नमक डाल सकते हैं, 1.5 स्पून मैंने डाला है। फिर 1 चम्मच जीरा, फिर 1/2 चम्मच अजवाइन, फिर आप इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला। फिर 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, फिर 1 चम्मच धनिया पाउडर, अब आप इसको मिक्स कर लीजिए हाथ से। अब कई लोग इसमें मोयन डालते हैं, तेल डालते हैं, लेकिन मैं इसमें दही डालती हूँ, दही से भी उसका वही फिनिशिंग आएगी। ये देखिए 1/2 कटोरा भर के दही डाला है, बाउल है ये, वही बाउल जिससे हमने नापा था, ये हमने दही डाल दिया। अब पानी से इसको गूंदेंगे। पहले दही को मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि अभी पानी हमें देखना पड़ेगा कि कितनी ज़रूरत है, धीरे धीरे डालना होगा, अदरवाइज हमारा बहुत गीला हो जाएगा और हमें इसे गीला नहीं करना है, क्योंकि हमें इसके रोल्स बनाने हैं। और अगर पानी की ज़रूरत ना पड़े तो सिर्फ दही से भी अगर इसका हो जाता है काम तो सिर्फ दही से भी चलेगा। ये हल्का सा पानी मिला लीजिए बस। अभी एक कढ़ाई लीजिए और उसमें पानी भरकर बॉईल करने रख दीजिए हाई फ्लेम पर, और इसमें आप 1 चम्मच ऑयल डाल दीजिए। ये 1 चम्मच ऑयल डाला है मैंने इसमें। ये अब ऑयल क्यों डाला है हमने? ऑयल इसलिए डाला है जिससे कि हम इसमें जो गट्टे बॉईल करने रख रहे हैं वो आपस में चिपकेंगे, और जब तक हम ये पानी उबल रहे हैं हमने ये अपना गट्टे का जो बनाया है उसको ढक के रख दिया है 5 मिनट के लिए, जिससे सारे मसाले अपने आप अच्छे से सब मिक्स हो जाए। ये जो हमने रखा था ढककर अपना गट्टे का आटा गूंद के, ये अब एकदम रेडी है। अब आप इसके थोड़ा हिस्सा लीजिए एक, और इसको रोल बनाइए। ये रोल बन गया, और ये जो पानी हमने रखा था उसमें 1 by 1 हमें डिप करना है। ये 4 से 6 लोगों के लिए सफिशिएंट है ये क्वांटिटी। अभी त्योहारों का मौसम है तो
तो ये सारी ट्रेडिशनल सब्जियां बनाने का मन भी करता है और बारिश के सीज़न में टेस्टी भी बहुत लगती हैं। तो ये ज़रूर आप अपने घर वालों को बना के खिलाएंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा। और अभी थोड़ा सा कई बार ऐसा हो जाता है मार्केट में सब्जियां ठीक से अवेलेबल नहीं रहती हैं, तो हम ऐसे पौष्टिक भी बहुत है क्योंकि इसके अंदर बेसन भी है, मक्का भी है, दही भी है, सभी चीज़ें हैं। वैसे भी कोई त्यौहार हो, सीज़न त्यौहारों के सीज़न में तो अपनी ट्रेडिशनल सब्ज़ियाँ बनाने में एक अलग ही मज़ा आता है। देखा आपने, इस तरह से हमने सारे गट्टे की रोल्स डाल दिए हैं पानी में उबलने के लिए। इनको करीब आधा 40 मिनट्स तो कम से कम लगेंगे ही इनको अच्छे से स्टीम होने में। मीनवाइल, और ये जो बर्तन है इसको हमको पानी डाल के इसको रख लेना है, ये हमारे काम आएगा ये पानी ग्रेवी के लिए। और जो बॉयल, जिसमें हम पानी में बॉयल कर रहे हैं गट्टे, ये पानी भी हमें फेंकना नहीं है, ये भी हमें ग्रेवी में बाद में यूज़ आएगा। मीनवाइल मैंने ग्रेवी के लिए मसाला तैयार किया है। इसमें 2 बड़े प्याज, 2 हरी मिर्च और 2 सूखी लाल मिर्च मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो गार्लिक भी ले सकते हैं, उसे टेस्ट बहुत एनहेंस होता है, पर अभी थोड़ा सावन में मैं अवॉइड करती हूँ लहसुन, तो इसलिए मैंने सिर्फ प्याज लिया है। और 2 टमाटर मीडियम साइज़ के, ये भी मैंने मिक्सर में ग्राइंड करके रखे। 15-20 मिनट बाद मैंने इसे ढक दिया था, तो इससे और भी अच्छे से ये बॉयल होंगे। और अभी करीब 40 मिनट्स होने वाले हैं, तो अब ये बॉयल होने ही वाला है, थोड़ा सा और इंतज़ार करना है हमें। जितने अच्छे से बॉयल होंगे ये, उतना अच्छा इसका टेक्सचर आएगा और सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए अब ये सॉफ्ट होने चालू हो चुके हैं, काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। इनको बीच बीच में आप थोड़ा सा हिलाते रहिए, और अगर पानी कम हो जाता है बहुत तो थोड़ा पानी भी आप और ऐड कर सकते हैं। इसको हम फिर से अभी 10 मिनट के लिए और रख देते हैं। टोटल 45 मिनट्स हमने इसे बॉईल किया है। ये देखिए ये सारे बॉईल हो गए हैं, मैंने पानी में से निकाल लिया है। अभी ये बहुत गर्म है, इन्हें हमें पीसेस में काटना है। ये गट्टे अभी हमारे बॉईल हो चुके हैं, इन्हें, ये काफ़ी गर्म है, इन्हें अब मैं पीसेज में काट रही हूँ। थोड़ा सा ठंडा होने का आप इंतज़ार कर सकते हैं। अब ये हम कढ़ाई रख रहे हैं गैस पर, और इसमें हमने करीब 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। अब इसमें हम 1 चम्मच राई डाल रहे हैं। ये गट्टे मैं थोड़ा फ्राई कर रही हूँ, ये फ्राई इसलिए कर रहे हैं, एक तो ये बच्चों को वैसे भी पसंद आते हैं और इससे थोड़ा रिचनेस और बढ़ जाती है इसकी ग्रेवी में जाने के बाद। तो ये सारे गट्टे मैंने इसमें डाले हैं। तो कम ऑयल हमने इसलिए लिया है कि हमें हल्का सा बस उसको फ्राई करना है, ऐसे कुरकुरे करने हैं थोड़े से, उसको तलना नहीं है। इसमें हमने पहले नमक डाला था, अभी हल्का सा नमक और डाल देंगे हम इसमें। और ये गट्टे का साइज़ आप थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा मोटे मत रखिए इसको, अदरवाइज़ ये पकेंगे नहीं अच्छे से, ग्रेवी में इसमें अंदर नहीं जाएगी। थोड़ा सा मीडियम साइज़ के रखिए, ना बहुत बारीक ना मोटे। इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया, और अब इसमें हम फिर से धनिया पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल 1/4 चम्मच, और थोड़ा रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे। अब इसको हम ऐसे भी खा सकते हैं स्नैक्स की तरह। और थोड़ा सा चाट मसाला, ये देखिए हम इसको
फ्राई कर रहे हैं हम, इसको धीमी आंच पे करना है, इनको हिलाते रहना है अदरवाइज चिपक जाएंगे, हल्का सा फ्राई हो जाएंगे। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं अभी फ्राई होके। इसको थोड़ी देर दो मिनट तीन मिनट खाली हम इसको फ्राई करेंगे, इसको ऐसे धीरे धीरे पकने देंगे और ये इसमें अब दूसरी हमने मैंने लिए पैन और उसमें मैंने 2 टेबल स्पून करी काटते हाँ मैंने एक कढ़ाई ली है दूसरी और उसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल गरम करने रखा है। जब ये थोड़ा सा गरम हो जाएगा तब हम इसमें अच्छे से गरम हो जाएगा जब 1 चम्मच जीरा डाल देंगे और हम इसमें 1 छोटी चम्मच हींग डाल देंगे, आधी चम्मच हींग। हींग से बहुत बढ़िया स्वाद भी आता है और पाचन तंत्र के लिए भी अच्छा ही है हमारे लिए हींग। हाँ अब ये ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें जो हमने प्याज का मसाला तैयार किया था ग्राइंडर में वो मैं इसमें मिला रही हूँ। इसे अच्छे से भुनना है। वाह क्या सुगंध आ रही है। इसको पकने देना है, जब ये पक जाएगा तब हम इसमें टमाटर वाली ग्रेवी अपनी डालेंगे। ये प्याज की ग्रेवी हमारी पक चुकी है तो अब इसमें हमने जो टमाटर की ग्रेवी बना के रखी थी वो हम रख डाल देंगे। हम ढक देंगे जिससे ये अच्छे से पक जाएगी ग्रेवी, इसका कलर भी एकदम रेड अच्छा सा हो जाएगा। अभी ये टमाटर की ग्रेवी भी हमारी पक चुकी है और इसमें अब हम डालेंगे दही। दही ये है 100 ग्राम, इसे मैंने ग्राइंडर में मिक्सर में एक बार ग्राइंड कर लिया है जिससे कि ये इसके लम्स वगैरह बिल्कुल नहीं आए, चाहे तो आप इसे छान भी सकते हैं। और जब ये डालेंगे तो आपको धीरे धीरे डालना है जिससे कि ये फटे ना। इसे आप मिक्स करते जाइए और पकने दीजिए अच्छे से और मीनवाइल हम इसमें मसाले और डाल देते हैं। अभी हमें नमक डालना है 1/2 चम्मच, फिर हम इसमें डालेंगे फिर से धनिया पाउडर, ये हमारी इंडियन रेसिपीज में तो धनिया पाउडर इज़ अ मस्ट, ये हमने करीब 1.5 स्पून डाल दिया। फिर हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, वो हम 1/2 स्पून इसलिए डालेंगे क्योंकि इसमें हमने पहले साबुत मिर्चें पीस ली थी तो काफ़ी तीखा हो सकता है, इसलिए हम इसमें 1/2 स्पून डालेंगे। जिन लोगों को तीखा पसंद है खाना वो इसमें अपनी पसंद से और डाल सकते हैं मिर्ची। बंद कर दिया था कि नहीं बोल गया, ये देखिए ये टमाटर की ग्रेवी अच्छे से पक गई है, टमाटर दही प्याज इसमें तेल छोड़ने लग गया है। अब जो हमने जिसमें गट्टे बॉईल किए थे वो पानी और जब हमने आटा लगाया था वो मैंने आपको पानी डालकर बोला था कि ये भी रीयूज़ करेंगे ग्रेवी में, वो सारा अब हम इसमें डालेंगे क्योंकि वो इसको रिचनेस देगा इस सब्जी को। ये इसकी ग्रेवी सबसे मेन होती है और टमाटर और दही दोनों लेने का कारण यह है कि दही से इसकी एक अलग ही टेक्सचर बनता है इसकी ग्रेवी का और कई लोगों को दही की ग्रेवी इतनी पसंद नहीं आती है तो टमाटर थोड़ा डालने से वो एकदम वैसे ही स्वाद देता है जैसे और भी ग्रेवी वाली सब्जियां देती हैं। आप इसको प्योर दही में भी बना सकते हैं, फिर आप इसमें ज़्यादा दही ले लीजिए और टमाटर स्किप कर दीजिए। खाली टमाटर डाल के अगर आप ये सब्जी बनाते हैं इसका वैसा ट्रेडिशनल स्वाद नहीं आएगा, दही तो इसमें लगता ही है। अभी हम इसमें ये जो हमने गट्टे फ्राई करके रखे थे वो हम धीरे धीरे इसमें डालेंगे।
और ये आपको लग रहा होगा कि ये बहुत पतली है ग्रेवी, तो पानी जैसी लग रही है, पर ये जो गट्टे हैं ये बेसन और मक्का है इसमें, ये सारा इसमें थोड़ी देर बाद सब सोखने वाले हैं और इसमें बहुत ही रिचनेस आ चुकी आ जाएगी अच्छे से। और इसमें मैंने गट्टे डाल दिए हैं, थोड़े गट्टे आप ऐसे बचा सकते हैं फ्राई किए हुए, वैसे खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, तो मैंने थोड़े गट्टे इसमें बचा लिए हैं, बाकी इसमें रख दिए हैं, डाल दिए हैं। और इसको अभी हमें 15-20 मिनट्स तो अभी और पकाना है, मतलब इस सब्जी में टोटल आप समझ लीजिए पूरा तैयार होने में कम से कम इसको 2 आवर्स, मैक्सिमम 2 आवर्स तो लगते हैं, मिनिमम 1.5। और ये गट्टे अभी हम इसमें, आप चाहें तो तेजपान का पत्ता शुरू में डाल सकते हैं तेल में, मेरे पास था नहीं आज तेजपान का पत्ता इसलिए मैंने नहीं डाला है। और अब हम इसमें जीरा पाउडर, जो भुना हुआ जीरा रहता है उसका पाउडर जो हम बना के रखते हैं, वो 1 चम्मच मैंने डाला है, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। और इसके साथ में हम गरम मसाला डालेंगे, गरम मसाला 1/2 चम्मच। अब इसे हम पकने देंगे, होंगे देखिए कितने अच्छे से ग्रेवी पक चुकी है, और गट्टे के साथ में, गट्टों के साथ ये सारा ग्रेवी अच्छे से घुल मिल जा रही है। और आप एक गट्टा निकाल कर चेक भी कर सकते हैं कि वो सॉफ्ट है या नहीं है, ये देखिए इतना आसानी से ये टूट रहा है। और अभी 15 मिनट हो चुके हैं, इसको आप जितना पकाएंगे ये उतना ही सॉफ्ट और रिच होता जाएगा। इसको करीब 10 मिनट और हम करते हैं, इसको ग्रेवी में रहने देते हैं, और धीमी आंच रखिएगा और लो फ्लेम पर, और इसको हम ढककर रख देते हैं, हल्का सा ढक्कन साइड में से खुला रखिए जिससे थोड़ा भाप निकलती रहे। और अब इसको हम ऐसे ही 10-15 मिनट्स और 10-15 मिनट्स मैक्सिमम आप रखेंगे, उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी खाने के लिए। ये देखिए ये गट्टे की सब्जी अब रेडी है एकदम, और ये सूखे गट्टे हैं, ये आप जैसे कभी बचे हुए चावल हैं फ्रिज में तो आप फ्राई करते हैं, तो उसमें अगर ये सूखे गट्टे डालेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे लगेगा, राइस का टेस्ट और एनहेंस हो जाएगा। और ये अपनी ग्रेवी वाली सब्जी तो है ही मज़ेदार, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हैं जो मुझे और हौसला देते हैं नए नए वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू माय फ्रेंड्स।